हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला है जो कि बहुत ही लाभदायक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे जरूर ट्राई करें, देखिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी को वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मुझे भी माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई है। ये दर्द एक बार अगर सुबह से शुरू हो गया तो पूरी रात तक बिल्कुल नहीं जाता, और केमिस्ट से दवाई लानी पड़ती है या क्लिनिक में जाके हम पेन किलर वगैरह लाते हैं तभी ये ठीक होता है। और माइग्रेन का दर्द ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो वो गैस ऊपर सर में चढ़ जाती है, उससे मुझे अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी ज़ुकाम से भी सर में बहुत दर्द हो जाती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान और अचूक घरेलू नुस्खा बताऊँगी, तो मैं भी इसे इस्तेमाल करती हूँ, आप ज़रूर विश्वास करें। तो सबसे पहले मैं तुलसी के हम चार पत्तियाँ ले लेंगे, कुछ पत्तियाँ, और उनका रस निकाल लेंगे और चार चार बूंद रस को नाक में डालेंगे। अगर आपके दाएं तरफ दर्द है सर में तो आप बाई नाक में डालें, और बाई तरफ है तो दाएं नाक में डालें। और हम 10 ग्राम नारियल का तेल लें और उसमें 2-3 ग्राम लौंग का तेल मिलाकर रखें। फिर उसे सर में थोड़ा सा मसाज कर लें, और थोड़ा सा हम उसे सूंघे भी तो भी सर दर्द में बहुत आराम पड़ेगा। बादाम रोगन तेल को दूध में डालकर भी वैसे पीते हैं, बच्चों को भी देते हैं, लेकिन इसकी 2-2 बूंद हम नाक में भी डाल सकते हैं। इससे भी सर दर्द में बहुत आराम मिलता है और बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आप देखेंगे 5-10 मिनट में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। और सर दर्द नियमित रूप से खाना खाने से पहले दोनों समय पानी के साथ एलोवेरा का जूस पिए, इससे भी सर दर्द में आराम पड़ता है, क्योंकि गैस वगैरह नहीं बनेगी तो सर दर्द का कारण तो वही होगा गैस वगैरह का, तो उससे भी आराम पड़ेगा। और इसको पित्त से भी सर दर्द, पित्त जब बढ़ता है, जब एसिडिटी बढ़ती है तो सर दर्द होता है, तो इसलिए आप अंकुरित सब्जियां अनाज लें और हरी सब्जियां खूब खाएं, लौकी भी खाएं। सर दर्द में आराम पाने के लिए सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैं ये अक्सर करती हूँ। आप 4-4 बूंद सरसों का तेल नाक में डाल लें, चाहे जुकाम का सर दर्द होगा, टेंशन का, माइग्रेन का, कैसा भी होगा, आपका सर आप देखेंगे 10 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यकीन माने कि छोटे छोटे नुस्खे आप अपनाएं। और बादाम रोगन तेल और सरसों का तेल वैसे भी आप हफ्ते में 2-3 बार नाक में ऐसे ही डाल ले, इससे जो हमारी सर की नसें हैं वो ज़्यादा, उनमें जो बहुत खिंचाव हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे कि बार बार माइग्रेन पेन नहीं होता है। पहले से मुझे हफ्ते में 1-2 बार तो माइग्रेन पेन ज़रूर हो जाता था, और सुबह से शाम तक होता था, और ये बढ़ता ही रहता है, बिल्कुल कम नहीं होता। और बहुत बार, कम से कम 10-15 बार उल्टियां भी हो जाती थी, क्योंकि गैस इतनी होती है। तो आप ऐसा ही करें, और गैस से बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम सुबह और शाम को, सुबह सुबह खाली पेट आप गुनगुना पानी पी लें, और थोड़ा सा गले में आप हाथ डाल के उल्टी कर लें। इससे ये होगा कि जो भी कड़वापन, एसिडिटी वगैरह जो भी डेली हमारे गले में बनती है, पेट में, वो बाहर निकल जाती है, तो उससे भी सर दर्द नहीं होता है। क्योंकि जो मुझे सर दर्द होता है वो अक्सर पेट में एसिडिटी के बढ़ने के कारण ही होता है, क्योंकि वो सर पे चढ़ जाती है, फिर बहुत मुश्किल से निकलती है। तो तेल वगैरह डाल के सर दर्द तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन जो एसिडिटी है उसके लिए तो आप ये उपाय करें और डेली करें, तो देखेंगे धीरे धीरे आपका माइग्रेन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसे नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।